उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो बच्चों की जघन्य हत्या ने सभी को हैरान करके रख दिया है। किसी के घर में घुसकर और छत पर जाकर बच्चों की हत्या ने लोगों के मन में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बता दें कि साजिद नामक शख्स पर पड़ोसी विनोद के घर में जाकर उसके दो बच्चों आयुष और अहान की खौफनाक तरीके से हत्या का आरोप है। आरोपी साजिद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। वहीं इस हमले में परिवार का तीसरा बच्चा पीयूष घायल हो गया है। अब पीयूष ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। पीड़ित परिवार का कहना है, साजिद उनके घर के अंदर आया और 5,000 रुपए मांगे कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और अस्पताल में है। बच्चों की मां संगीता ने अपने पति विनोद को कॉल किया तो उन्होंने कहा पड़ोसी है, दे दो 5,000, कल दे देगा। इसके बाद साजिद से चाय का पूछा गया तो उसने हामी भरी और कहा कि अस्पताल जाने में 1 से 2 घंटे हैं। आरोपी साजिद ने घर के बड़े बेटे आयुष को कहा कि मम्मी का पार्लर दिखा दो। वह उस पार्लर के फर्स्ट फ्लोर फिर दूसरे फ्लोर पर ले गया। उसने लाइट बंद की और आयुष को चाकू से मारकर मार डाला। तभी छोटा बेटा आहान पानी लेकर ऊपर गया। साजिद ने उसे भी पकड़ा और मार डाला। इस भयानक हत्याकांड में पीड़ित परिवार के छोटे बच्चे पीयूष की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी साजिद ने छोटे बच्चे पीयूष पर भी हमले की कोशिश की। इस हमले में पीयूष को थप्पड़ लगा और अंगूठे में चाकू भी लगा। इसके बाद जैसे तैसे पीयूष ने वहां से भाग के दरवाजा बंद कर लिया। आरोपी घर के जीने में चाकू लेकर थोड़े देर खड़ा रहा, फिर वहां से भाग गया। पीयूष ने कहा कि हम तो उनके यहाँ कटिंग कराने जाते थे, कहते थे भैया मेरे बाल काट दो। पुलिस ने अपनी बाइट में अब तक केवल साजिद का रोल बताया है। परिवार का कहना है कि साजिद और जावेद दोनों भाई उनके घर आए थे। जानकारी के मुताबिक हत्या के वक्त जावेद बाहर बाइक लेकर खड़ा था। पुलिस ने कहा कि जावेद की तलाश जारी है क्योंकि परिवार ने उस पर भी घर आने का आरोप लगाया है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खुद से लथपथ अभी वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। हमारी टीम जब मैसूजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हैं पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाई फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने भी फायर किया, इस जवाब में जवाई फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एकलौता आरोपी था? एकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने जब हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर मुझे उसको पीछा किया। सर घटना के पीछे क्या कारण था पता चला सर? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, उस बारे में बातचीत हो रही है क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही जैसा वो आगे बातचीत होगी। सर किस तरीके से घर के अंदर किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से अंदर पहुंचा और कहां पर उसने घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से बॉडी पुलिस ने रिकवर करी, किस कानून व्यवस्था को किस तरीके से संभाला? बताएगी वो घर में गया, घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसके बच्चों को दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर चले सीधा ऊपर तीसरे मंजिल पर गया, वहाँ पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहाँ से उसने थोड़ी को छोड़ ली और उनसे भाग गया। ठीक हालत में है आरोपी सर? कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखांग रहने वाला है। आज सायंकाल एक व्यक्ति द्वारा जो दो बच्चों की निशंस हत्या कर दी गई और एक बच्चे को बच्चा घायल है, उसको लेकर के यहाँ पर हम लोग आए हैं। पुलिस बल चार सतर्क लगा हुआ है और अभी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उसको जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए सभी लोगों को सजा बुझाया जा रहा है और परिवार के लोग भी जो कि मौजूद है इसे तहरीर लेकर के FIR दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। सर एनकाउंटर में मारे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है सर? ये जो है अभी इस तरह से जो सूचना आपको एनकाउंटर की है, इसकी जो है अभी हम कठोर कार्रवाई के लिए कहा गया है, अभी उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है अपराधी के पीछे के बारे में। अभी पुष्टि होकर हम बताते हैं आपको। अभी कठोर कार्रवाई के लिए बताया गया था, पुलिस टीम लगी थी उसके पीछे, अभी थोड़ी देर में हमारी टीम आ रही है जैसा वो बताया जाएगा। बताया जा रहा है कि वो जब पुलिस लेके जा रही थी तो उससे वो भागने का प्रयास किया और उसने उसके साथ मुठभेड़ हुई है। तो ये इस दिन मैंने कहा मेरी टीम जो है गई है, अभी टीम जो उसको लेके जा रही थी, लेके जाते समय जो घटना हुई है उसमें टीम अभी आ रही है, थोड़ी देर में आपको उसको आगे एडीजे अभी भी मौके पे पहुंचने वाले हैं सर। यहाँ पर सभी अधिकारी हैं, सभी मौजूद हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है बड़ी दुखद घटना हुई है और जो घटना के लिए जितना अधिकतम कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और उसकी जो नियमानुसार कार्रवाई पूरी करेंगे हम लोग। कानून व्यवस्था पे अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी स्थिति हमें बिल्कुल सामान्य है, लोगों को समझा भी दिया गया, लोगों को थोड़ी सी उत्तेजना शुरू में जरूर थी, लोगों में थोड़ा आक्रोश था लेकिन उनको समझाया भी जाएगा। दो समुदाय को लेकर हो गया था सर?
ये तो इस निशंस घटना को लेकर के थोड़ा थोड़ा आक्रोश होना स्वाभाविक था और उसको लेकर लोगों को समझा दिया गया। हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों ने जो आगजनी की उस पर क्या कहना आपका? छोटे मोटे दो दिन जो खोखे जलाने की बात आई है उसको देखेंगे वो किन पसंद जलाएंगे। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों का तांत्रिक विद्या भी करता था, ये कुछ खून पी रहा था बच्चों का, ये अब जांच के विषय है जो बता रहे हैं कि वो तांत्रिक विद्या करता था क्या करता था उसकी जांच की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे।